देवास शहर में माता टेकरी पर जाने के लिए रोपवे की ट्रॉली में 9 दिनों के अंदर फिर दिक्कत देखने को मिली है। रोपवे की गिररी में लगे तार निकल गए हैं, जिसके बाद में कर्मचारियों द्वारा उसे ठीक करने का कार्य भी किया जा रहा है। ये जो घटवा क्वालिटी का काम हुआ है, आप देख रहे हो कि 3 दिन अभी कुछ 15 दिन पहले भी ये निकली थी। उसके नीचे निवासियों रहते हैं, पूरा हमारा घर भी इसके पास में आता है, और इसके कारण हमारा ये है जब तक ये पूरी रिपेयर नहीं होती, जब तक इसमें कोई भी सवारी ना करे नहीं बैठे। तो अभी क्या चल रही थी क्या ये? अभी चल रही, अभी तो हवा के कारण चलती चलती एकदम से उतर गई है। इसका स्थायी इलाज करना चाहिए, जब तक इसमें कोई भी सवारी को बिठाना नहीं चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। हर 15 दिन में, अभी 15 दिन पहले जो हवा आंधी चली थी उसमें ये ट्राली निकल गई थी, और आज फिर हवा आंधी चली फिर ट्राली निकल गई। इसका स्थायी इलाज नहीं हो जब तक, मेरे हिसाब से कोई को चढ़ना नहीं चाहिए। बता दें कि बीते दिनों जब रोपवे की गिररी निकली थी, तब 6 लोग ट्रॉली के अंदर फंसे हुए थे। आज ट्रॉली के खाली होने से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि तेज बारिश के चलते अचानक रोपवे की गिररी में से तार निकल गया था। देवास से मृदुभाषी प्रदेश के लिए विजेंद्र उपाध्याय की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।